हे गाइस, कैसे हैं आप सब? होप कि ठीक होंगे, और अगर ठीक नहीं भी हैं तो हमारे आज के वीडियो के बाद ज़रूर हो जाएंगे, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं आपके बचपन की कुछ नायाब हीरे जैसी यादें, फाइव बेस्ट एनिमेटेड शोज़ फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। तो अब दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी आज की लिस्ट में नंबर 5 पे है सुपर स्ट्राइकर्स, जिसे ब्रॉडकास्ट किया गया था सोनिक चैनल पे। और इसमें स्टोरी रहती है एक सॉकर टीम की, जिसमें बहुत ही कमाल के एपिसोड्स देखने मिलते हैं हमें। और इस कार्टून का मेन कैरेक्टर रहता है शेख, जो कि इस टीम का मेन स्ट्राइकर रहता है। और दोस्तों, इस कार्टून में हमें हर एक कैरेक्टर को जो कि इस टीम में रहता है उसे अच्छा स्क्रीन टाइम दिया गया है। अब आते हैं हमारे अगले शो की तरफ, जिसका नाम है डिजीमॉन। दोस्तों, ये एक एनिमे है जिसे पहले कार्टून नेटवर्क और उसके बाद डिज्नी XD पे दिखाया गया है। दोस्तों, इसमें पोकेमॉन जैसे क्रीचर्स होते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा कूल। और जहाँ तक बात है इसके पॉपुलैरिटी की, तो हम में हर कोई डिजीमॉन देख ही चुका है। अब आते हैं नंबर 3 के तरफ, जिसका नाम है बेब्लेड। दोस्तों, इस एनिमे में बहुत ही ज़्यादा सीजन्स है, इतने ज़्यादा सीजन्स है कि हम लोग भूल जाते हैं कभी कभी कि किस में कौन सा कैरेक्टर है। और जहाँ तक बात है इसके पॉपुलैरिटी की, तो इसको भी हम लोग डिजीमॉन से तो ज़्यादा ही पसंद करते थे अपने बचपन में। इसमें स्पिनिंग टॉप्स को एक बहुत ही यूनिक और कूल वे में दिखाया गया है दोस्तों। और ये सबसे पहले ब्रॉडकास्ट किया गया था कार्टून नेटवर्क पे, हंगामा पे, डिज्नी XD पे और पोगो पे भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले शो की तरफ, जिसका नाम है जनरेटर रेक्स। दोस्तों, जनरेटर रेक्स के बारे में मैं अभी आप लोगों को ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस पे हमने पहले ही ओरिजिन वीडियो बनाई हुई है। और अगर आप लोगों को जानना है कि ये कौन है, तो जाइए ओरिजिन वीडियो को चेक करिए। और जहां तक बात है इसके ब्रॉडकास्ट की, तो सबसे पहले ये दिखाया गया था कार्टून नेटवर्क पे, और उसके बाद कुछ दिन के लिए टूनामी पे। अब आते हैं नंबर 1 के तरफ, तो दोस्तों इसका नाम है ड्रैगन बॉल जी। और इसके बारे में तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते ही होंगे। मेन कैरेक्टर का नाम है गोकू, जो दुनिया को बचाता है विलन से विथ हिज सुपर पावर्स एंड ड्रैगन बॉल्स। दोस्तों, इस एनिमे को कार्टून नेटवर्क पे भी दिखाया गया है, और साथ ही पोगो पे भी दिखाया गया है दोस्तों, बहुत ही पहले 2008 या 2010 की बात है ये। और कुछ दिन के लिए इसे भी टूनामी पे दिखाया गया था, लेकिन हम सबको पता ही है टूनामी का क्या हुआ। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट में, और तब तक के लिए अपने घरों में सेफ रहें।